24 लोगों की कथा। सच में भाई हमने आकाश को बनाकर रखा, लेकिन सबसे कुछ ना कुछ सीखा। भगवान आना सोचे कब का भगवान के रूप में मैंने उत्तर दिया। जब मैंने आपसे बात की, आप तीसरा कोई है नहीं। आपको दिखाई दे रहा है लोगों को? यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और आज का ब्लॉग संडे का है और ये मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। इवनिंग के टाइम पे बन रहा है इवनिंग स्नैक्स। बच्चों को लग चुकी है ना छोटी छोटी भूख। और आप सबों को ना गणतंत्र दिवस की और सरस्वती पूजा की साथ साथ में ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। और चलिए यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स बना लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ ना कैबेज और ऑनियन का पकौड़ा। और इस तरह से पतला पतला लच्छे में ना हमें इसे काट लेना है। और ये बच्चों का डिमांड था, क्योंकि बहुत दिनों से मैं नहीं बनाई थी ना पकौड़ा वगैरह, तो बच्चों का मन हो रहा था खाने को। तो बोला, सोनू बोल रही थी मम्मा बना दो, तो फिर मैं बोली अच्छा चलो मैं बना देती हूँ। और अभी ना मेरा टाइम था कथा सुनने का, और इस बीच मुझे उठना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर बच्चों का मन था तो मैं उनका भी मन नहीं मार सकती थी, इसलिए मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ। तो मैंने बेसन में डाला है चावल का आटा और नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि फिर मैं ग्रीन चिली का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। और यहाँ पे ना जो प्याज और जो पत्ता गोभी हमने काटा था ना, इसमें थोड़ा सा नमक डालकर मैं इसको छोड़ दी थी। तो इससे जितना पानी है उसको हम निचोड़ लेंगे अच्छे से और फिर हम इसे करेंगे मिक्स। चावल का आटा ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही कुरकुरा सा हमारा ये पकौड़ा बनकर तैयार होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। और अब हम इसे ना हाथों से पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और ये पकौड़ा ना बनाना बहुत ही आसान है। अगर कोई मेहमान भी आते हैं ना, तो आप इसे फटाफट से 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हो। बिल्कुल इजी सी इवनिंग स्नैक्स है। आप रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ना ये पकौड़ा, जैसे मैंने इसमें डाला है पत्ता गोभी, तो आप इसमें आलू डाल सकते हैं, सिर्फ ऑनियन का बना सकते हैं। तो चलिए मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसका मिक्सचर रेडी कर लिया है। और इस तरह से देखिए हाथों को मैं थोड़ा सा पानी में गीला कर रही हूँ और इस तरह से चौड़ा चौड़ा करके फैला के दे रही हूँ। मतलब एक जो प्याजी होती है ना, उस टाइप का ये थोड़ा सा चपटा चपटा बनेगा। तो इस तरह से बनाने से जो पकौड़े हैं ना, वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं चारों तरफ से। और अगर आप इसे गोल गोल डालिएगा तो चारों तरफ से तो ये सुनहरा हो जाएगा गोल गोल, बट ना अंदर में इसका जो बेसन वाला फ्लेवर है वो आता रहेगा। तो आप इस तरह से थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, थोड़ा सा इसे चपटा करके डालिएगा, तो ये पकौड़े बहुत ही कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए पकौड़ा तो मैंने डाल दिया है 1 बैच। और यहाँ पे मैं साथ साथ के कर रही हूँ डिनर की सब्जियों की कटिंग, क्योंकि किचन में घुसने के बाद हम एक साथ ढेर सारा काम निपटा सकते हैं। और यहाँ पे मैं उसी तरह से ही करती हूँ कि किचन आओ और फटाफट से मैं एक काम नहीं करती, मैं बहुत सारे काम मैनेज कर लेती हूँ। और ये देखिए इतना करते करते ना हमारा पकौड़ा भी क्रिस्पी हो गया है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं, क्योंकि सोनू का टाइम हो चुका है ट्यूशन जाने का और वो अब चली जाएगी ट्यूशन। तो इस तरह से आप एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह से हम जो बैच है, दूसरा बैच, तीसरा बैच, हम डालकर इस तरह से फ्राई कर लेंगे। कोई टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बहुत यम्मी है, बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी है। तो आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मेरा भी एक चैनल है, शालिनी प्रजापति। तो मैं ना लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी, तो आप वहाँ से जाके व्यू कर सकते हो चैनल को और सब्सक्राइब वो भी चैनल को कर लेना। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो चुका है। तो अभी मैं सब खा, मतलब सब नहीं खा लेती हूँ, फिर मुझे ट्यूशन जाना है, तो मैं फिर ट्यूशन जाऊँगी। तो सबसे पहले ही मैं पकौड़ा खाऊँगी। यहाँ पे ना पकौड़े बन गए हैं और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए निकाल कर रख दिया है। सोनू खा करके चली गई है ट्यूशन। और यहाँ पे मैं यहाँ पे ये 5 पकौड़ा खाने वाली हूँ। और चाय मेरा हो चुका है। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि कथा ना डिस्टर्ब हो जाती है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बच्चों की वजह से आज डिस्टर्ब हो ही गया है मेरा कथा, नहीं तो मैं 4 से 6 ना बिल्कुल नहीं हटती हूँ। और यहाँ पे देखिए आज ना होली चलने लगी है यहाँ पे। तो चलिए एंजॉय करते हैं। और चलिए इवनिंग स्नैक्स हो गया है और अब मैं फटाफट से आ गई हूँ ना किचन में बनाना है डिनर। और मेरा ना लाइटर ख़राब हो गया है, तो आप नोटिस करेंगे तो मैं माचिस से ही गैस जला रही हूँ। और पता है काफ़ी ज़्यादा माचिस ना मेरा खपत हो रहा है। मैंने ना ऑनलाइन मीशो में ऑर्डर लगाया हुआ है लाइटर, वो अभी तक नहीं आया है, देखिए कब आता है। तो चलिए यहाँ पे मैं गोभी और गोभी को पहले मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा धीमी फ्लेम पर नमक डालकर। और मैं इसी तरीके से आलू गोभी मटर की जो सब्ज़ी होती है ना वो बनाती हूँ। दूसरी कढ़ाई मैंने गैस पर रखा है, उसमें तैयार करेंगे इसकी ग्रेवी। तो साथ में रहेंगी रोटियाँ और गाजर मैंने ग्रेट किया हुआ है, तो गाजर का मैं खीर या फिर हलवा कुछ भी बना लूँगी, बट अभी नहीं, जब ये आ जाएंगे तब। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर बना लेते हैं हमारा जो डिनर है वो। मेरा ना देखिए डिनर बनकर तैयार हो गया है। और ये मेरी आलू गोभी मटर की सूखी वाली सब्जी, और साथ में है ये दाल, लौकी वाला दाल है। और ये है चोखा, और इसमें है रोटियां, और साथ में बन रहा है गाजर का खीर। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों में चढ़ा दिया है, क्योंकि ना एक में काफ़ी ज़्यादा भर गया था, इसलिए मैंने दोनों में रख दिया है। और इसे ना मैं अभी थोड़ा सा गाजर का खीर में बना दूंगी, और थोड़ा मैं रख दूंगी ऐसे ही फ्राई करके, कल देखती हूँ हलवा बनाऊंगी। और अब बच गया ना किचन की क्लीनिंग। और ये देखिए खाना पीना बनाने के बाद ना किचन कितना बिल्कुल मैसी सा हो जाता है, देखिए। तो चलिए अब कर लेते हैं किचन की क्लीनिंग। और मैं ना पूरा नाइट में डीप क्लीनिंग ही करती हूँ, तो चलिए कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे गाजर मेरा फ्राई हो गया था, तो इसको मैं अब रख दूंगी एक पतीले में, क्योंकि अभी ये आए नहीं है, ये आएंगे दूध लेकर आएंगे तब। तो मैं थोड़ा सा इसका बनाऊंगी खीर, क्योंकि ना बाबू को बड़ा मन हो रहा था मम्मा गाजर का खीर बना दो, तो वो मैं बना दूंगी। बाकी मैं इसी तरह से फ्राई करके ना इसे स्टोर कर दूंगी। मैं देखूंगी अगर मुझे कल टाइम मिला तो मैं इसकी हलवा बनाऊँगी, टाइम मिला तभी मैं बनाऊँगी। तो चलिए ये तो हो गया काम, और अब करना है किचन की पूरी डीप क्लीनिंग। तो मैं ना नाइट में अधिकतर डीप क्लीनिंग ही करना पसंद करती हूँ, ताकि जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में उठूँ ना तो मेरा किचन बिल्कुल मुझे फ्रेश मिले, बिल्कुल रिलैक्स फील करने वाला किचन मिले मुझे। और बहुत ही सुकून सा एहसास होता है ना कि जब हमारा किचन बिल्कुल क्लीन हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, तो देखने के बाद ना मन से आह आता है कि हाँ अब मेरा किचन बिल्कुल क्लीन है। तो चलिए मैंने ऊपर से झाड़ लिया है और नीचे झाड़ू करेंगे। उसके बाद जो बर्तन है उसको मैं पहले क्लीन कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं सेल्फ गैस जो भी है उसकी मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। और देखिए यहाँ पे मेरा जो बर्तन है वो क्लीन हो गया है। और अब जो है ना तवा, चकला, बेलना जो भी है वो सारा मैं आज वॉश कर लूँगी, क्योंकि मैं हमेशा ही कर लेती हूँ रोटियाँ बनाने के बाद, नाइट में मैं फूलने के लिए दे देती हूँ, उसके बाद कर लेती हूँ। और चलिए यहाँ पे गैस में मैंने डाला है इस तरह से विम लिक्विड, और पूरे गैस और पूरे सेल्फ को मैं यहाँ पे क्लीन करूँगी। और ये ना मैं वीक में 2 बार करती हूँ, बट मैं नाइट के टाइम पर ही करती हूँ, ताकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून लगता है। बस करो, उसके बाद आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठो तो बिल्कुल क्लीन क्लीन लगे। तो देखिए मैं पूरे ही अच्छे से रगड़ रगड़ कर पूरा वॉश करूँगी, क्योंकि डस्ट काफ़ी ज़्यादा बैठ जाता है। मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना वहाँ पर डस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो आप नोटिस भी करेंगे तो मेरी खिड़कियाँ अधिकतर बंद रहती है इसी वजह से। तो चलिए यहाँ पे पूरे अच्छे से क्लीनिंग कर लेते हैं। तो पहले मैंने लिक्विड से कर लिया है, उसके बाद साफ़ कर लिया है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कपड़ा भिंगा करके और अच्छे से 4 से 5 बार इसे मैं डुबा कर पानी में अच्छे से पोंछ दूँगी। तो जो मेरा गैस है, सेल्फ है, काउंटर टॉप है, वो अच्छे से हो जाएगा मेरा क्लीन। और उसके बाद फिर मैं वॉश कर लूँगी। जो चकला बेलना मैंने फूलने के लिए डाला है ना, उसको भी यहाँ पे मुझे क्लीन करना है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा नाइट का डीप क्लीनिंग किचन का, और मैं इसी तरह से करती हूँ, इसी तरह से करना प्रिपेयर भी करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए ये आ गए हैं 2 दिनों बाद, तो इनको पानी वगैरह दे रही है सोनू। और यहाँ पे मैं देखिए ये झाड़ा है ना, उसमें मैं रख रही हूँ क्योंकि जो मेरा बास्केट है ना बर्तन वाला वो भर चुका है। और चलिए ये भी मेरा काम हो गया है। उसके बाद जो नीचे का जो फ्लोर है ना, उसको भी मैं पानी से अच्छे से क्लीन कर दूंगी और फिर वाइपर से वाइप कर दूंगी ताकि वो अच्छे से जल्दी से सूख जाए। और ये था मेरा नाइट का क्लीनिंग रूटीन। ये मैं रोज़ नहीं करती हूँ, बट वीक में 2 डेज़ मैं कर लेती हूँ। तो चलिए सारी चीज़ों को अब जगह पे अरेंज कर देना है। और ये जो लेकर आए हैं दूध वगैरह, बिस्किट बच्चों का था वो लेकर आए, उसको भी यहाँ जगह पर रख देना है। और साथ के साथ ना मैं सारे डिब्बे वगैरह और जो आटा का डिब्बा है, जो मतलब हम हमेशा जो डब्बे हम यूज़ करते हैं, जो हम टच करते हैं, उसको मैं यहाँ पे पोंछ दूँगी क्योंकि हम अगर बाय द वे रहते हैं आटे के हाथ में लगे हुए, तो उसी तरह से डिब्बे इमरजेंसी पर टच हो ही जाते हैं। तो फिर मैं सारी चीज़ों को अच्छे से ही यहाँ पे साफ़ कर दूँगी। और ये जो हमारा मसालदानी है इसको भी मैं कर दूँगी क्योंकि आप कितना भी संभाल के रखो ना तो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। तो चलिए इसको भी मैं यहाँ पे साफ़ कर दे रही हूँ। और ये देखिए मेरा किचन क्लीन हो जाने के बाद लगता ही नहीं है कि किचन में कुछ है। और यहाँ पे काउंटर टॉप मेरा बिल्कुल खाली लग रहा है। बस जो ये झाड़े में मेरा सामान है उसको भी मैं उठा दूँगी। और नीचे मैंने टोकरी रखी हुई है बर्तन की, उसको भी अब जगह पर लगा देना है। और ये दूध लेकर आ गए थे तो मैं खीर भी बना दूँगी गाजर की। और साथ के साथ जो बिस्किट वगैरह लेके आए उसको भी मैं अरेंज कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो था मेरा नाइट का क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग किचन की। और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग के साथ, नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।